तक हम एक स्ट्रेट लाइन की बात, अभी तक हम सिंगल स्ट्रेट लाइन की बातें कर रहे थे, उसके बारे में देखा। अब बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पे एक लाइन ही दो लाइन पे इन्वॉल्व रहेगा, या दो लाइन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना, या ऑलरेडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उससे दोनों इक्वेशन को अलग रिमूव करना, ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालती है, उसके बाद लिखिए, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है। If separate equation of two lines are, if separate equation of two lines are ax plus by plus c equal to zero and a1x plus b1y plus c1 equal to zero, if separate equations of two lines are ax plus by plus c equal to zero and a1x plus b1y plus c1 equal to zero, then their combined equation will be, then their combined equation will be then the combined equation will be this, or is equation to score. So, we solve karke dekhenge equation ko hum pair of straight line ke equation bolenge jab solve kar lenge tha. Ye likhne ke baad dekho conversely. Yahan pe likhne ke baad usme aage likh lo conversely. If the combined equation of two lines is, मतलब जो लिखा हूं उसी को कन्वर्स करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं, if the combined equation of two lines is x plus b1 plus c into a1x plus b1y plus c1 equal to zero, then their separate equations will be, then their separate equation will be ax plus c equal to zero and a1x plus b1y plus c1 equal to zero. यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को? देख सब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा है, सोया रहा जो लेट से ज्वाइन किया है। कहा आज तो मैं 5 मिनट आप लोगों का वेट भी किया, कल से वेट भी नहीं करेंगे, मींस आराम से घर में नींद का आनंद ले आकर। अभी हमने क्या बोला कि अगर दो इक्वेशन गिवन है उसको कंबाइन कर ले तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या कन्वर्सली क्या बोला कि ये कंबाइन इक्वेशन है इसको सेपरेट कर ले, ठीक है। देख दो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, दोनों को अगर कंबाइन कर लो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब अगला हेडिंग डालो, यहाँ पे तो सिंपल समझने के लिए बात नहीं किया था, फिर मल्टीपल करके देखते हैं कि क्या आता है, उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखेंगे। लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, क्योंकि इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो सेकेंड डिग्री में इक्वेशन आता है एक्स इंटू ए वन एक्स, यानी ए वन एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए इसमें इसको इसको मल्टीपल करोगे तो बी बी वन वाई स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का भी टर्म होगा, वाई का भी टर्म होगा, एक्स वाई का भी टर्म होगा और कॉन्स्टेंट टर्म भी होगा, ठीक है। तो लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, द मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज, जनरल इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशंस का, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आने वाला हर चैप्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट है,
इसे आपको हमेशा के लिए रिमेंबर रखना चाहिए, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है यही आपको स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक सेक्शन सारा कुछ डिफाइन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ये इक्वेशन आपको हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए, माउथ पे याद रहना चाहिए। बस समझ रहे हो ना? अब ध्यान दें, चलो याद रख लो फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन हमने क्या बोला, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज दिस। इसे हम एक्स स्क्वायर के रूप में भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वाई स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर इसको वाई स्क्वायर यहां वाई है तो बाकी और ये वाई वाई को ऐसा कर दो और ये बी वाई स्क्वायर है बाकी सब कांस्टेंट की तरह यूज कर लो, चाहे ये एक्स स्क्वायर है तो मैं सिक्स वाई टू जी एक्स को ऐसा कर लो, ये एक्स के फॉर्म में है और ये बाकी कोई क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो। देखेंगे कैसे हम लिख इससे जो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें आगे लिखो, सिंस इट इज एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सिंस इट इज एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इट मस्ट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ लोकस, it must represent the equation of a locus in a plane. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, since it is an equation in x and y it must represent the equation of a locus in a plane. it may represent a pair of a straight line, it may represent a pair of straight lines, circles or other curves in a different cases or other curves in different cases. हमने क्या बोला, it may represent a pair of straight lines, circles या अदर कर्व्स इन अ डिफरेंट केसेस। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा इसमें भी कंडीशन है, सर्कल कब होगा उसका भी कंडीशन है और अनदर कर्व क्या होगा सबका कंडीशन है, जो भी देखेंगे। लेकिन ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये ध्यान रखना, इसी के कंडीशन के अनुसार से इसका कंडीशन लगेगा। तो कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, कब सर्कल का बनेगा, कब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स, सारे कुछ। अदर कर्व्स का मतलब कि पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला की बात हो रही है। नाउ वी विल कंसीडर द केस, नाउ वी विल कंसीडर द केस व्हेन द एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। अगर केस कंसीडर करते हैं जो दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, अब देखते हैं इसे कंडीशंस निकालते हैं कि दो इक्वेशन कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर से एक बार हेडिंग रिपीट कर दे रहा हूं, कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आप कान लगा के बोल के समझने की कोशिश करना, अभी तक हम थोड़ी थोड़ी की बात कर रहे थे, यहां से जब आगे की बात करेंगे वही बात थी, सरदार ने भी दुर्घटना कर दी।
यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इक्वेशन एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, तो एक्स के फॉर्म में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, टू एच वाई प्लस टू जी इंटू एक्स, बाकी सब एक साथ लिख लें। अरे हाँ या ना बोलना, अरे यहाँ पे किसी को दिक्कत समझने में? नो सर, क्योंकि टू एच एक्स वाई है, टू जी है, टू एच वाई प्लस टू जी बना, बच गया, और बाकी तो एक साथ कर लिया, इसमें एक्स कहीं नहीं, इसमें एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई कर देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, तो क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर टू जी, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ये पूरा डिवाइडेड बाय 2m। यहां तक किसी को दिक्कत? हेलो, नो सर, चलो यहां तो जल्दी लिखो, ये ध्यान दो, यहां से हम टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, टू कॉमन लिया तो ये बचा एच वाई प्लस जी, इसमें से टू कॉमन लोगे तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, तो टू का स्क्वायर फोर, एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, और इससे ना यहाँ लेकिन फोर है, वैल्यू देते हैं आगे में सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय टू है, अगर यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है, कॉमन लेकिन उससे बाहर का तो टू आ जाएगा, तो देख माइनस टू इंटू एच वाई प्लस जी प्लस माइनस टू एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई टू ए, टू टू अगर कॉमन लो तो टू टू कट जाएगा, बच क्या जाएगा, फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच वाई प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एच वाई टू एच जी वाई प्लस जी स्क्वायर, और इसको ओपन कर दो तो माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एफ वाई टू एफ वाई, टू एफ वाई माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ठंड लग रहा
समझ आया? यस सर। यस सर। करो फिर इसके आगे हम बात करते हैं। जो लेट से आया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी रेज करते जा रहा हूँ। अब देखो इस स्टेप के बाद अगर ध्यान दो किसी ये लिख सकते हो माइनस एच वाई प्लस जी प्लस माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ दो अंडर रूट में वाई स्क्वायर को एक साथ दोगे तो h स्क्वायर माइनस ए बी टू वाई स्क्वायर वाई वाई को एक साथ लो तो प्लस टू कॉमन ले लो तो ये एच जी माइनस ए एफ इंटू वाई और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ ले लो तो प्लस जी स्क्वायर माइनस एस होल डिवाइडेड बाय ए। अब देखो इसके अंदर जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है और वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। हेलो। यस सर। यस सर। अब देख इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये अभी तक सब ज्वाइन ही कर रहा है क्या रे? अच्छा अभी कौन कौन आया रे? सेवा संध्या तुम्हें अब नहीं तो खुला स्वास्तिक शुभम सबको अभी नींद खुल रहा है ना रे? सही है कोई दिक्कत नहीं सर, मैं पहले से ज्वाइन किया उसे पहले से, बाद में बात करते देखते हैं तो पता लग जाएगा कौन कब ज्वाइन किया है। टेंशन ना ले। चलो तो ये वाई स्क्वायर के रूप में फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है वाई स्क्वायर वाई कांस्टेंट और इसको क्या करना है ये परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या कंडीशन होता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या कंडीशन होता है कोई बताएगा? Anyone give answers कि quadratic equation है उसका perfect square के form में आ रहा है तो उसका क्या condition होगा? वो भी छोड़ दे, मतलब roots real है और equal है उसका क्या condition होता है? सर determinant। determinant कि discriminant? Discriminant, discriminant. Discriminant क्या होना चाहिए? Sir, bigger than zero होना चाहिए। मारे ये बात। Sir, b square minus 4ac greater than zero. Unequal. Equal होना चाहिए। तो यार perfect square तभी तो होगा रे। एक मान लो तो quadratic equation x minus 2 का whole square है। इसको open कर दो quadratic equation। नहीं तो ये perfect square में है। इसके दो value आए ना, दोनों दो ही है। ध्यान रखना जब अगर परफेक्ट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एडमिस की रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे तो यहाँ वही लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर में आते ही रूट जाएगा तो इसके लिए इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ठीक है देयरफॉर देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2 into hg minus af y plus g square minus ac ठीक है तो जब परफेक्ट स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो कर लो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका क्या होना चाहिए? d इक्वल टू जीरो होना चाहिए और d जीरो कब आएगा? इसका d निकाल लेते हैं ठीक है इसका डी जीरो निकाल लेते हैं। जब डी जीरो निकालोगे तो देखो
b स्क्वायर इन टू इंटू एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी देखो सॉल्व करते हैं फोर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू एच जी एफ ठीक है माइनस फोर इंटू अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस एस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू जीरो फोर कॉमन लोगे उधर ले जाओगे फोर कैंसिल हो गया फोर कॉमन लेके इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू एच जी ए एफ सर हाँ बोलो सर थोड़ा फ्रेम से थोड़ा इस तरफ घुमाइए सर दिखाई नहीं दे रहा था सर अब दिखाई नहीं दे रहा अब दे रहा यस सर अब ठीक है तो देख एच स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू एच जी ए माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी जी स्क्वायर प्लस ए सी एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर जी स्क्वायर से एच स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल ठीक है अब इसमें से ए कॉमन ले लो ए कॉमन ले लोगे तो ए एच स्क्वायर माइनस टू एच जी एफ मोटे पावा उठेगा टाटा टू डू डू टू डू कौन है रे किसका माइक कौन है रे कि कोई दूसरा घुस गया हो जिसके एंड से हो सुधर जाओ और अगर किसी का दोस्त दोस्त हो तो ऐसे कुत्ते को बाहर करो क्लास रूम से जानवरों का क्लास नहीं है टू एच जी है ये बाहर लो तो बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर माइनस ए बी सी लिखो भी इसके आगे बात करते हैं और इसको क्या लिखोगे देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर माइनस टू एफ जी एच माइनस ए बी सी इक्वल टू जीरो ये फॉर्मेट में याद रख सकता या ए बी सी माइनस टू एफ जी एच प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर That is your choice. This format में रखना है, उस format में remember रखो. यहाँ तक note जल्दी कीजिए फिर बोलिए. अरे ये डिजाइन वाला नाम लिख के कौन आता है अरे क्लासरूम में अभी कौन है पूरा पुष्पा का फोटो लगा के अच्छा ओमकार है रे हम सब पुष्पा बना देंगे एक मिनट में पकड़ आ जाओ यहाँ पे लॉकडाउन के बाद
ना पुष्पा के डायलॉग निकाल देंगे तुरंत। हाँ देखो डीपी में पुष्पा है अल्लू अर्जुन का। अरे पुष्पा नहीं है सर। क्या सर वो पुष्पा नहीं है। कौन है? रविंद्र जडेजा है सर। साउथ का है जो विजय है। देखो इसमें कितना कबीर सिंह है सर। अर्जुन रेड्डी फिल्म का है कबीर सिंह। अच्छा यहाँ मैं तो देख पा रहा फिल्म बाद में देखना। और इस तरह के डीपी मत लगा। अच्छा आदमी की तरह बन के रहा तो सब हम इलाज कर देंगे मिलने पे। यहाँ तक समझ आ गई बात? थोड़ा साइड दीजिए सर। हो गया यहां तक लिखिए आप लोग। ये ध्यान रखना अगर ये इक्वल टू जीरो आ रहा है एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर माइनस टू एम जी एच माइनस एम इज इक्वल टू जीरो तभी जाके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन पाएगा। उसको दो इक्वेशन को सेपरेट कर पाएंगे। इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा जहां ए बी सी एफ जी एच क्या है जो अभी हम लिखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ए B, C, F, G, H वहीं से है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये फॉर्मेट इक्वल टू जीरो है तब समझो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं तो किसी और चीज का इक्वेशन है। बात समझ आया? हेलो यस सर। नोट कर लिए यहाँ तक? यस सर। आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ये तरीके से नहीं तो शॉर्टकट तरीका है तुम अलग क्विक एलिमिनेट कर ले रहे हो तो सो गुड। अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ फिर समझ में आएगा। तो आपको दो चीजें ऑलवेज रिमेंबर आने चाहिए कि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैं लिख देता हूँ फिर से कि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। देखो ये इक्वेशन और ये इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में आपको अब हमेशा ध्यान रहना चाहिए एक्स स्क्वायर जो भी कोएफिशिएंट है उसको टू से डिवाइड करोगे एच निकल आएगा। एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीपल होगा उसको टू से डिवाइड करोगे जी निकल आएगा। वाई के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा उसको टू से डिवाइड करोगे प्लस आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट रहेगा। तो लिखो इक्वेशन क्वेश्चन फाइंड द लाइंस हुज कंबाइंड इक्वेशन इज
अब एनसीईआरटी में है कि नहीं हमको नहीं पता, पेयर ऑफ स्टेट लाइन होगा भी तो बहुत शॉर्ट पे होगा, नहीं तो ना के बराबर नहीं होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस को कवर कर लेना, ये अच्छे से हो जाएगा तो फिर तुमको कोडिंग सेक्शन में बहुत आसान हो जाएगा। Find the lines whose combined equation is 6x² + 8x² अरे किसके घर पे कार्यक्रम चल रहा है? माइक म्यूट कर ले। प्रिंस प्रीतम किसके यहाँ से गाना चल रहा था जो माइक ओपन किया? प्रिंस का था। बताओ कौन था रे? नहीं बोलोगे? सुबह सुबह भजन तो अच्छा है लेकिन मैच के भजन कर ले, नहीं तो जब मिलोगे तो मैं भजन अच्छे से करवाऊंगा सबके सबको। कोई ना, आजा आजा, डरता हूँ तुमको भजन कराएंगे, जिसके जिसके माइक खराब हो रहे हैं फिर हम मैच का भी भजन कर लेंगे। इस फॉर्मेट में इक्वेशन है, क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द लाइंस व्हिच कंबाइंड इक्वेशन इज दिस, तो इक्वेशन बताओ तो लीनियर स्ट्रेट लाइन का कौन कौन सा इक्वेशन आएगा, जो दो इक्वेशन आएगा दोनों को निकाल के फाइंड आउट करके बताओ। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर या तुम जिस पूरा मेथड से कर रहे हो वैसे करो या पहले इसमें डाल के चेक करोगे कि तो जीरो है कि नहीं। दो तरीके हैं, क्योंकि पहले क्या करोगे x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक लाओगे, फिर जो अंडर रूट में आएगा y स्क्वायर उसका निकालोगे, फिर ये वैल्यू निकालोगे। उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे डाल के देखो ये जीरो हो रहा है कि जीरो हो गया तो पक्का इसका पॉसिबल है कि दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसमें कंबाइंड है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम बाद में देख लेंगे जो निकाल के, यहाँ पर ये देखते हैं कोशिश करते हैं समझो। ये x स्क्वायर का टर्म है लिख ले, यहाँ भी x का टर्म है ठीक है, चाहे तुम दूसरे तरीके से देखोगे। चलो अगर हम 7x कर ले रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो, अलग अलग एक्स और वाई को करके, लेकिन इससे अच्छा है कि तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लो, इससे ज्यादा देखते हैं। पहले क्या लिखोगे? सिंपल 6x² + 5xy और 7x को 5y + 7x, बाकी टर्म को एक साथ ले लो। अगर हम माइनस ले लेते हैं इसको 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 तो माइनस 4y² - 13y + 3 = 0 ऐसे लिख सकते हो। x स्क्वायर x और y के टर्म में आ गया ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो ध्यान दो माइनस 5y + 7 + आगे बहुत काम है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5y + 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 a की जगह पे 6, c की जगह पे माइनस है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4y² - 13y + 3
उम्मीद करते हैं कि सारे को समझ आ गया होगा। 2 × 6 कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको ओपन करके जो भी वाई स्क्वायर के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका डी इक्वल टू 0 निकालना है। ठीक है, तो डी इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें। इतना करने से अच्छा है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो सीखते हैं। Therefore, 5y + 7² + (24 × 4y² - 13y + 0) क्या होता है? जल्दी बताओ, (3, 1, 2) = 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, (y² - 2y + 1) = 0। अगर ध्यान दो, हम इसको इक्वल टू जीरो कर लिया तो ये क्या आ गया, ये मेरा आ जाएगा (y - 1)² = 0। अगर हम इसको बात करें कि कॉमन ना लेते इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो ये 11 × y - 1² पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाते तो जीरो ना लिखते तो केवल जीरो हटा दो तो केवल परफेक्ट स्क्वायर बना है, क्योंकि हम जीरो कब लेते थे, जीरो करते थे, जीरो हटा दो थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने में ज्यादा मेरे आसान हो जाएगा। ध्यान दें, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होगा 121 के स्क्वायर 11 और ये y² - 2y + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन वन में, इसमें इक्वेशन वन लग रहा है, इसमें अगर इसकी वैल्यू लिखोगे 11 × y - 1² - (-5y + 7) + (-11 × y - 1)² / 2l। उम्मीद करते हैं कि लिख लिया होगा आपको, ऊपर कोई लिख सकता। अब ध्यान दो, (x = -5y - 7) + (-11 × y - 1) / 12। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, देखो (x = -5y - 7) + (11y - 7) / 12। इसे सॉल्व करेंगे 12x = 6y - 18, यानी 12x - 6y + 18 = 0। एक इक्वेशन ये निकला, इसमें 6 कॉमन ले सकता है, इसमें से 6 कॉमन लिया, 2x - 3
2x minus y plus 3 equal to 0 equation ले आया। अब दूसरा देखो, दूसरा प्लस ले लिया माइनस ले लेते हैं, x equal to minus 5y minus 7 minus 7y plus 7 minus 12 मल्टीपल करो तो 12x equal to minus 16y minus plus 4 equal to 0 उसको plus 4 और आगे देखो 12x plus 16y minus 4 equal to 0 से 4 कॉमन ले लो तो 3x plus 4y minus 1 equal to 0 ये दो इक्वेशन तुम्हारा आ गया, यही आंसर होगा, यही दो सेपरेट करने पे इक्वेशन आ गया। तो इस दोनों का प्रोडक्ट कर लो, देखो पहले वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये तुम्हारा तरीका है, अगर तुमको दिखे कि इजीली अलग अलग सेपरेट नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आओ, अंडर रूट में जो आया था उसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ और ऐसे इक्वेशन लिखो। उससे पहले चेक कर लो जो आपने डेल्टा निकाला था, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस क्या था, ए जी एच स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, उसमें डाल के कि जीरो के बराबर हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन किसको किसको समझ नहीं आया, सारे को समझ आया कि बाउंस कर गए? समझ आया सर, क्या आ गया सर? इजी था ये, इजी था ना? नहीं आया सर, नहीं आया सर, कहाँ पे किस स्टेप पे समझ नहीं है? यहाँ पे ये यस सर, जिसका पहले म्यूजिक बज रहा है आदमी जैसे क्लास ज्वाइन कर और ये सोच रहे हो कि तुम्हारा माइक अनम्यूट हो रहा है, पता नहीं चलेगा हम क्लास में, हम नहीं, हमें नहीं पता चल रहा है, जो होस्ट कर रहा है ध्यान दे रहा है। ध्यान क्वेश्चंस क्या था, उसको हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आता है। हेलो, तो वो अपना सोल्यूशन देख, क्वेश्चन था तुम्हारा 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16y माइनस 3 इक्वल टू 0, उसको हम x स्क्वायर के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लिया यानी सजा लिया। वहां से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश किया, थोड़ा आया था माइनस माइनस 5y प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, जो भी टर्म आया था जो अंडर रूट के अंदर का टर्म है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर भी लाना चाह रहे हैं। और परफेक्ट स्क्वायर में जैसे उसको लाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और आराम से दो इक्वेशन आ गया। तो जो ये अंदर अंडर रूट के अंदर है इसको हम देख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर है कि, तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अगर परफेक्ट स्क्वायर वहां पे क्या था, जब यूनिट क्वेश्चन करा रहे थे हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम b इक्वल टू 0 ला रहे थे, इसका देखो b की वैल्यू 0 होगा। या कुछ और अपना क्वेश्चंस देखो, कुछ क्या था आपको, a b c प्लस 2 f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया तो अंडर रूट का टर्म जो था परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। एक की वैल्यू आपके इसी क्वेश्चन में क्या था,
सिक्स, ये तुम्हारा सिक्स था। बी क्या था वाई स्क्वायर के साथ, बी माइनस फोर था और सी क्या था, सी तुम्हारा माइनस थ्री था प्लस टू इंटू एफ क्या था। एफ की जगह पे देखो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं कि तुमको बार बार समझाना मुझे दिक्कत है। क्वेश्चन ये है सिक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थर्टीन वाई। देखो यहां से इसके तरफ कोएफिशिएंट ये होता है, ये सिक्स है ठीक है। यहाँ एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या होता है टू एच, तो टू एच इक्वल टू फाइव, तो एच इक्वल टू फाइव बाई टू। इसके कोएफिशिएंट बी होता है, बी इक्वल टू माइनस फोर। एक्स के कोएफिशिएंट क्या है टू एफ है। जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री देखो टू एफ इक्वल टू सेवन, तो एफ इक्वल टू नहीं नहीं एक्स के साथ टू जी था, टू जी इक्वल टू सेवन, तो जी इक्वल टू सेवन बाई टू। और यहाँ टू एफ इक्वल टू थर्टीन, टू एफ इक्वल टू थर्टीन बाई टू, और कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू माइनस थ्री। ये सारा पहले निकल के आ गया और इसमें डाल के दे प्लस टू इंटू एच क्या है आपका एफ है थर्टीन बाई टू इंटू जी सेवन बाई टू इंटू एच फाइव बाई टू ठीक है माइनस ए क्या है तुम्हारा सिक्स, एफ क्या है थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, बी क्या है तुम्हारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फोर। और जी क्या है, जी सेवन बाई टू का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं इधर माइनस सी क्या है माइनस प्लस थ्री, एच क्या है फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। सब जीरो आ रहा है कि नहीं देख लेते। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू, यार टू से टू कैंसिल करो और प्लस थर्टीन इंटू थर्टी फाइव बाई फोर माइनस यहाँ सिक्स इंटू थर्टीन का स्क्वायर हुआ सिक्स नाइन बाई फोर, यहाँ प्लस फोर इंटू फोर्टी नाइन बाई फोर प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फोर। तो देखो यहाँ फोर से फोर कैंसिल आ, यहाँ टू टू जब फोर यहाँ फोर फोर कर दो जब बेहतर है करते हैं। ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी नाइन क्या हो जाएगा 121 अच्छा प्लस ये 4 वाला टर्म है, ये भी 4 वाला टर्म है और वो भी 4 वाला टर्म। तो पहले एलसीएम 4 ले लो 13 into 35 कर लो माइनस 6 into 169 कर लो और प्लस 25 इज 75 हो। अब इसे देख 121 प्लस 35 into 13 कर कितना आता है, मल्टीपल कर लिया 169 इंटू सिक्स कर बताओ। सुधर दस बीस माइनस सिक्स 1014 और प्लस 75 डिवाइडेड बाय 4 तो ये कितना हो जाएगा 121 प्लस ना ध्यान 75 और 455 460 500 530 ठीक है। तो 530 माइनस 1014 बाई 4 तो 121
माइनस में होगा 500 का तो कुल माइनस 514 और माइनस 514 14 हटा दो तो माइनस 516 हटा दो तो माइनस 486 माइनस 486 मतलब 484 484 बाय 4 से डिवाइड करो 0.20 आ गया। हम इतना लेंदी ना करें कि पहले जीरो लाए और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, इसीलिए हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए और जितना दे दिए इसमें डाल के ये ढूंढ लेंगे उतना हम कोशिश कर लेंगे। बात समझ में आया? देखा ये जीरो आया तो हमें इतना नहीं करना था, हमें जिस तरह से आपको एक्स की वैल्यू निकाले ये मैं समझाने के लिए बोला, ये हमेशा जीरो आएगा ही आएगा, ये जीरो आएगा। तो क्यों हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू निकालें और फिर y के टर्म में जो अंडर रूट में आ रहा है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इक्वेशन आसानी से दोनों लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो फिर देखेंगे जब वो बनेगा ही नहीं तो इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे तो कुछ और फॉर्मेट में आएगा। जैसे क्वेश्चन से तो कुछ समझ आ जाएगा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो और इसे खुद करके लाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं तो किसी को डाउट है तो एक बार और कंफर्म कर लो। क्वेश्चंस तो हम तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाल ही देंगे 3-4-5 आज के लिए। और सुन लो तुम लोगों को जो क्वेश्चंस डाले हैं 40 मोर देन 40 क्वेश्चन वो हुआ है कि नहीं, कर पाए रहे हो कि नहीं, कैसे ही टाइम पास कर रहे हो? आप लोगों को डीपीपी पूरा करना है एक एक क्वेश्चन समझ गए? एटलीस्ट आपको जितना मिनिमम हर रोज 20 क्वेश्चंस करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लिक करके डालना है, नहीं तो पर डे के हिसाब से 20 क्वेश्चन ऐड होते जाएगा। फिर आओगे देखेंगे नोटबुक नहीं मिलेगा तो सोच लेंगे। हम इसका थ्योरी पोर्शन भी और अभी 3 या 4 क्वेश्चन एक पकड़ा ही दिया हूं। हम इसका विथ आंसर विथ सॉल्यूशन नहीं विथ आंसर हम आपको ग्रुप में डाल देते हैं और सबके क्वेश्चंस करने के ट्राई करना, ठीक है? छोड़े जाता हूं क्योंकि इसके बाद क्लास होगा, नहीं तो ऐसे ही और भी समय निकल जाता। हाँ, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आपको माउथ भी याद होना चाहिए जो बाद में हम डेल्टा बोले हैं, यानी ये जो इक्वेशन है ABC+12CH2-BC2-CH2 ये इक्वेशन और जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री आपको ऑलवेज रिमेम्बर रहने चाहिए, इसके बाद हर जगह पे वो यूज होगा। चलो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अरे प्रिंस, थैंक यू सर। प्रिंस प्रीतम सुन रहा है? समंत्र हरकत मत किया कर, ठीक है? यस सर। हाँ नहीं तो सब खा के है ना, तुम्हारे लिए हल्की भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या भी यही ऑनलाइन ही रहता है, आएगा तो फिर देख ले है ना। तुम बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजाते हो, हम तुमको बाउंड्री के बाहर भेजाएंगे हर रोज क्लास में। चलो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सेंटर ऑफ मास हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का लास्ट पॉइंट है। ओके, आज हम लोग लास्ट पढ़ लेंगे, लास्ट कर देंगे सेंटर ऑफ मास को। आज थोड़े से बच्चे क्या मकर संक्रांति मना रहे हैं क्या? ओके, तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास करेंगे, लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कितना वेट करें। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फिनिश करेंगे आप सेंटर ऑफ मास को। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ वापस सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, लास्ट है आज सेंटर ऑफ मास का। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, देन ACM जीरो होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन ACM जीरो है, ऐसा हमने पढ़ा। और ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बताया भी गया कि एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ओके, मींस जो हम ACM लिखते थे, M1 ACM लिखते थे हम लोग, M1 A1 प्लस M2 A2 बाई M1 प्लस M2। अगर दो बॉडी है M1 और M2 का, अगर दो बॉडी है M1 और M2, ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि तो सेंटर ऑफ मास ACM मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन M1 M1 प्लस M2 A2 बाय M1 प्लस M2 होता है। इफ ACM जीरो देन M1 A1 प्लस M2 A2 बाय M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन M1 A1 प्लस M2 A2 इज इक्वल टू जीरो, देन M1 A1 इक्वल टू माइनस M2 A2। M1 A1 को F1 भी कह सकते हैं,
देन एफ वन इक्वल टू माइनस एफ। ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। ओके, मीन से दोनों बॉडी में ए माइनस ए का मतलब क्या है? ए निगेटिव का मतलब ये है कि अगर एम वन का डायरेक्शन एक्सिलरेशन का ए वन है राइट वर्ड, तो एम टू पे जो एक्सिलरेशन होगा वो बैकवर्ड होगा। माइनस का मीन यही है कि दोनों बॉडी का एक्सिलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ए वन राइटवर्ड है तो ए टू लेफ्टवर्ड है, या अगर एम वन का एक्सिलरेशन लेफ्टवर्ड है देन एम टू का एक्सिलरेशन राइटवर्ड हो जाएगा। मीन्स दोनों का एक्सिलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीनिंग कहने का मतलब, अगर इस पे फोर्स राइटवर्ड है तो इस पे फोर्स लेफ्टवर्ड है, इस पे फोर्स राइटवर्ड है लेफ्टवर्ड है तो इस पे फोर्स राइटवर्ड। ये हमने बात किया था, यहां तक हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में, लेकिन मैं कहूंगा वापस एक बार नोट करो, एक स्टार पॉइंट देकर वापस नोट करो। ठीक है, प्रीवियस क्लास को इस क्लास से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको वापस नोट कर लो। अभिज्ञा अर्पित प्रधान प्रेजेंट है? यस सर। विजित पंडा? यस सर। अभिलिप्सा पाल? अविनाश? यस सर प्रेजेंट सर। अध्यासा दुबे? यस सर। अध्यासा सिंह अब्सेंट? आकाश प्रेजेंट सर। अखिलेश प्रेजेंट सर। अनामिका? अनामिका अनुराग प्रेजेंट सर। डेविड? अनामिका एंड डेविड दो एब्सेंट है। अभिलिप्सा पाल प्रेजेंट है ना? ओके, एकलव्य? एकलव्य राय? एकलव्य रॉय है अब्सेंट। ठीक है, इतने बच्चों का लिस्ट मेरे पास है तो इतने का ही मैं अटेंडेंस ले पाता हूं, बाकी तो सभी लोग है ना। आदित्य? आदित्य अब्सेंट? नो सर। ये सर प्रेजेंट सर। विश्वजीत? नंदन? प्रेजेंट सर। राहुल? प्रेजेंट सर। ओके, चलो ठीक है। स्मरणिका नहीं है? है प्रेजेंट सर। ओके, एलिजाबेथ? बेउला? प्रेजेंट सर। ओके, अभिप्सा तो होगी मुझे ऐसा लगता है। यस सर। ओके, जिज्ञासा? यस सर। ओके, और क्या है? ठीक है, मैं विजित में नाम ले रहा हूँ। हाँ बोलो सर। विश्वजीत प्रेजेंट सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, तो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं और इसको आगे पढ़ा, ऐसे हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको टीच किया था, फिर भी प्रीवियस क्लास को इस क्लास से कनेक्ट करने के लिए हमने इसको टीच कर लिया है। ठीक है, आज लास्ट होगा सेंटर ऑफ मास का, मींस फोर क्लासेस है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो चले मैं मिटा रहा हूं, यहां तक मिटा। अब आगे क्या मैं बात करूंगा,
कि अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन जीरो है तो दो कंडीशन होते हैं, या तो वेलोसिटी में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, ये दो कंडीशन पॉसिबल है। अभी अभी हमने देखा कि m1 a1 इक्वल टू m2 a2 माइनस के साथ, ये कब पॉसिबल है, जब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो, ये कब पॉसिबल है, जब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉसिबल हो। यहां पे भी ये वाला कंडीशन होल्ड होगा क्योंकि यहां भी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो का ही कंडीशन है। वेलोसिटी अगर जीरो है देन एक्सीलरेशन जीरो होगा, देन ऐसे वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो भी ऐसे लिख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा ये माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर हमने बता दिया कि डायरेक्शन ए1 और ए2 का ऑपोजिट। ओके, और आगे भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है देन m1 v1 इज इक्वल टू आल्सो m2 v2, m1 x1 इज आल्सो m2 x2 माइनस के साथ। यहां पर इस चीज हम नहीं लिख सकते, लेकिन इस कंडीशन में हम यह वाला चीज लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन ओनली m1 a1 इक्वल टू माइनस m2 a2, बट अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल होंगे। और मैं कहूंगा कि अगर तुम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिए कि m1 का डायरेक्शन इधर है एक्सीलरेशन का, अगर ऐसा तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी आर अपोजिट टू ईच अदर, देन माइनस लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों का एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, यही रिप्रेजेंट करता है कि a1 and a2 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर हमने फिगर में बता दिया तो लिखने का जरूरत भी नहीं है माइनस को, तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो अगर तुमने डायरेक्शन बता दिया। बहुत सारे कई बार हमने ऐसा बात किया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का मीनिंग सिर्फ डायरेक्शन से है, मैग्नीट्यूड से नहीं। अगर हमने बता दिया कि ये बॉडी में वेलोसिटी एक्सीलरेशन राइटवर्ड है और इसमें लेफ्टवर्ड है, तो ये माइनस हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने माइनस का यूज कर लिया, माइनस ने ही बताया कि डायरेक्शन ऑफ बोथ बॉडी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, माइनस ने ही बताया कि वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड माइनस साइन ने ही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ बॉडी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया तो माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अगर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया तो माइनस को प्लस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा सबको? ओके। और अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताए हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब माइनस का ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए है कि बोथ बॉडी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन का वेलोसिटी का एंड डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट टू ईच अदर होगा, तो इसको वापस नोट करेंगे। लेकिन याद रखना जब वी सी एम जीरो होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होंगे, ये दोनों लास्ट के दोनों, ये तो ऑलवेज फॉलो होते हैं, लेकिन तो ये नोट करेंगे हम लोग।
ऐसे ये दोनों लास्ट के कंडीशन को हम यहाँ भी यूज कर सकते थे, इन दोनों के कंडीशन को यहाँ भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए अभी ऐसे ही रहने देना। चलो मिटाता हूं। अब सभी लोगों ने डीपीपी सबमिट किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, कुछ लोगों ने सबमिट किया है, सभी लोगों ने तो नहीं किया है। डीपीपी का 3 और 4 नंबर थोड़ा समझा देंगे सर? हाँ हाँ, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डीपीपी सारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो हाँ, मेरे पास तो रिकॉर्ड है कि किसने किसने दिया है, और अब मैं डीपीपी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 4 में ही डाउट बोला है, इसका मतलब ये है कि वो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ऑन टू कर लिया, लेकिन 3, 4 से थोड़ा डाउट है। हाँ मैं अभी करता हूँ। सारे क्वेश्चन और ओनली 4 क्वेश्चन हमने दिया, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है तो टाइम नहीं मिल पाया, टाइम भी था उसमें, 3-4 डेज पहले हमने दिया था, 2-3 दिन पहले दिया था। कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 आइडेंटिकल स्फीयर, 4 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मास 1 केजी आर प्लेस एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस टचिंग वन अनदर सो दैट देयर सेंटर आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ओके, कहता है कि 4 स्फीयर है, 4 स्फीयर और वो सभी कॉर्नर ऑफ स्क्वायर को टच कर रहे हैं, सॉरी कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे उनका सेंटर है, मतलब फर्स्ट वाले का सेंटर, ठीक है, फर्स्ट वाले का, पहले तो 4 स्फीयर बना लो। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ऐसे 4 स्फीयर है, सारे मतलब सिमिलर है, सेम है, आइडेंटिकल है, मतलब सभी का मास साइज सेम है। ये इनका कॉर्नर, इनका सेंटर स्क्वायर के कॉर्नर पे है, इन सभी स्फीयर का सेंटर स्क्वायर के कॉर्नर पे है, इन सभी स्फीयर का सेंटर स्क्वायर के कॉर्नर पे है, इसका इसके कॉर्नर, इस कॉर्नर पे इसका सेंटर है, इसके कॉर्नर पे इसका सेंटर है, तो दिख रहा है फिगर में, ये है हमारा, सभी का रेडियस सेम है और मास भी सेम है सभी का, क्योंकि आइडेंटिकल है। बाद में हम आर और एम का वैल्यू पुट करेंगे। अब पूछता क्या है कि फाइंड करो सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले एक वाई और एक्स एक्सिस तुम्हें डिसाइड करना होगा, तो हमने इसको लिया है वाई एक्सिस और इसको लिया है एक्स एक्सिस, ऐसा क्यों लिया वो आगे पता चलेगा, ठीक है, ऐसा एक्स और ऐसा वाई एक्सिस ले लिया है। तो अगर हम इस पूरे स्फीयर का मास कहां पे कंसीडर करेंगे, इसके सेंटर पे, क्योंकि हम जानते हैं ये कि यूनिफॉर्म स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है, मतलब इस वाले स्फीयर का, स्फीयर 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर 4, ओके, सभी स्फीयर का नंबरिंग कर दिया हमने, तो स्फीयर 1 का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के रेडियस, मतलब r प्लस 2r, मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट 2r, इसका सेंटर ऑफ मास, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन क्या होगा, मतलब 0, 0, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास 2r, 0 और इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास 2r, 2r, समझ में आया क्या?
सभी इंडिविजुअल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा, मतलब इस स्फीयर का पूरा मास यहाँ पे है, इस स्फीयर का पूरा मास यहाँ पे है, इस स्फीयर का पूरा मास इसके सेंटर पे है, इस स्फीयर का पूरा मास इसके सेंटर पे है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री एंड एम फोर एक्स फोर बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। अब एम वन को भी हम एम ले सकते हैं और एक्स वन क्या है इसका, जीरो, हमने इस बॉडी को लिया फर्स्ट बॉडी को। एम टू को भी एम ले सकते हैं क्योंकि सभी बॉडी का मास ले रहे, एम टू इसको ले रहे हैं इसका एक्सपोनेंट कितना है टू आर, और एम थ्री इसको लेंगे तो इसका भी मास एम ही है क्योंकि सारे स्फीयर का मास सेम है। तो एम एम इंटू एम थ्री इंटू एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है टू आर एंड एम फोर इंटू जीरो, ओके, अपॉन एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम मतलब फोर एम, ओके। अब आगे लिखा हूं, देखो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया टू एम आर, ये हो गया टू एम आर और ये हो गया जीरो अपॉन फोर एम, तो क्या हो गया यहां से टू एम आर फोर एम आर बाय फोर एम कैंसिल, बचा कितना ओनली आर, और आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एक्स सी एम पता चल गया 10 सेंटीमीटर, एक्स सी एम 10, एक्स सी एम 10, कोऑर्डिनेट में यूनिट नहीं लगाते हैं इसीलिए सिर्फ 10 बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट में यूनिट नहीं लगाते इसलिए सिर्फ 10 बोल रहा हूं, अदरवाइज डिस्टेंस पूछेगा ओरिजिन से तो 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली वाई भी फाइंड कर सकते हैं, पहले जो लोग नहीं किए हैं इसको नोट कर लें, फिर मैं वाई सी एम फाइंड करूंगा, जो लोगों ने नहीं किया है वो नोट करो फिर मैं वाई सी एम फाइंड करूंगा। ओके वाई सी एम यहां लिख रहा हूं, एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री, एम फोर वाई फोर बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, ओके ये लिख दिया हमने। अब वाई सी एम, एम वन एम वन एम मास सबका सेम ले लिया, एम 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 जरूरत ही नहीं पड़ा मास का क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। y1 कितना है इसका 2r, फिर m into 2r, फिर m into 0, फिर m into 0 क्योंकि 2 का y कोऑर्डिनेट 0 है अपॉन m m m एंड m, सभी मास सेम है क्योंकि आइडेंटिकल कहा गया है क्वेश्चन में, तो यहां से कितना आ गया m टू आर मतलब 4 mr y 4 m अगेन r मतलब अगेन 10 y cm इज आल्सो 10, ओके। सभी का ऐसा ही आंसर है ना? नो सर मेरा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? एक्सिस अलग है क्या? देख लो एक्सिस पहले देखो, क्या ऐसा है ये हो या एक्सिस कुछ और है? और है। देखो एक बात बताते हैं, सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहां पे ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। हमने एक्सिस कहां पे लिया? स्क्वायर के साइड के अलावा,
एक साइड का लॉन्ग वाई, दूसरे साइड का लॉन्ग एक्स, मतलब स्क्वायर का एक कॉर्नर, स्क्वायर का एक कॉर्नर ओरिजिन पे आ गया। क्या ऐसा लोगों ने लिया है? अगर ऐसा नहीं लिया है, कोई दूसरा लिया है, तो आंसर अलग आ जाएंगे और वो भी सही होगा, गलत नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। हाँ, कोई मान लो बाला से डिस्टेंस मेजर कर रहा है भुवनेश्वर का, तो उसका अलग आएगा। कोई कटक से कर रहा है तो उसका अलग आएगा। ठीक है? कोई संबलपुर से कर रहा है तो उसका डिस्टेंस अलग आएगा भुवनेश्वर का। तो क्या गलत है किसी का? किसी का गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गया, इसीलिए डिस्टेंस अलग अलग आ गया। बट सही है सर, इसीलिए सेंटर ऑफ मास में आंसर गलत नहीं आएंगे, जनरली डिफरेंट हो सकते हैं। अभी 10 स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, 10 का आंसर डिफरेंट आ गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग एक्सिस उसने कंसिडर कर लिए होंगे, इसीलिए। बट क्वेश्चन जो कहता है वही एक्सिस कंसिडर करना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है एक्सिस के लिए, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। बट क्वेश्चन ने अगर कहा है तो एक्सिस कहां से लेना है, तब तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऑप्शन मिलेंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, नोट कर लिया है ना सभी लोगों ने? यस सर। ओके ओके, अब एक्स कोऑर्डिनेट आया है 10 और आर मतलब और वाई कोऑर्डिनेट भी आया है। यहां तुम्हें पता चला एक्स कोऑर्डिनेट आर, कहने का मतलब ये तो सेंटर, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से आर इधर आ जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और आर ऊपर चले जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब ए लाइन और ए लाइन को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? आर और आर का मीनिंग क्या है तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करके बताओ। इसी पॉइंट का सेंटर, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कॉमा आर होगा ना, क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर, ये एक्स भी आर चाहिए वाई भी आर चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है? अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी सेंटर से, किसी भी स्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो स्फीयर है ओरिजिन वाला जिसका सेंटर है उससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेंगे। ए आर है और ए आर है, तो ये वाला मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ये है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, मीन्स 2R² means under root 2 into r means 2 into r कितना है 10, मतलब 10√2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेंटीमीटर। ठीक है? एक किसका है डिस्टेंस ए और ए, मान लो ए डाल देता हूं इसको बी डाल देता हूं तो ए बी। समझ में आया सबको या नहीं आया तो वापस पूछो। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी भी स्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी स्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, तो मैंने इस स्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि किसी भी स्फीयर से, तो हमने इस स्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कि एक्स सीएम ए वाला है, वाई सीएम ए आर है और ए भी आर है, तो यहां से क्या मिल गया हमको, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 10√2।
समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो एक बात मैं बताऊं, जिन लोगों ने अदर एक्सेस लिए हैं उनका भी आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने एक्सेस अलग अलग लिए होंगे, इसलिए ए वाला आंसर मैच नहीं कर रहा। उन्होंने एक्सेस कुछ अलग ले लिए होंगे, कैसे वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको नोट करो। ऐसे ए फाइनल आंसर तो सबका 10√2 आ रहा होगा, फाइनल आंसर सबका 10√2। फाइनल आंसर सबका 10√2 आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो इसको नोट करो और अच्छे से वापस एक बार घर में बैठ के सोचना, क्वेश्चन को सामने रखो, आंसर को देखो। ये 10√2 आ रहा था। ठीक है, स्वयं प्रज्ञा प्रेजेंट हो गई है, यस सर। ओके, देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये एक चार फोर स्पेयर है ना, इसमें फोर स्पेयर है, फोर आइडेंटिकल स्पेयर है, हो सकता है मेरे फिगर बनाने में आइडेंटिकल ना दिख रहे हो, बट है आइडेंटिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो हमने जो एक्सिस लिया वो कोई स्टूडेंट ऐसा भी ले सकता है, ऐसा भी ले सकता, ठीक है, तो उनके x cm अलग हो जाएंगे और y cm भी अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, x cm और y cm डिफरेंट हो सकते हैं उनके, तो इसीलिए आंसर x cm और y cm का अलग हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, बट फाइनल आंसर सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू, सेंटर ऑफ मास में ही एक प्रॉब्लम है कि अगर एक्सिस नहीं दिया है क्वेश्चन में तो फोर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो उसे घबराने की जरूरत, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि भुवनेश्वर से डिस्टेंस अगर हम मेजर करें बालासोर से अगर भुवनेश्वर का करें तो अलग होगा, कटक से करेंगे तो भुवनेश्वर का डिस्टेंस अलग होगा, तो क्या दोनों गलत है? नहीं, दोनों सही, क्योंकि रेफरेंस लाइन पॉइंट अलग अलग हो गया है, कटक से कोई मेजर करेगा तो 30 किलोमीटर कहेगा तो भी सही है, बालासोर से कोई करेगा तो 200 किलोमीटर कहेगा वो भी सही है, तो इसलिए गलत नहीं है, डिपेंड करता है कि हम मेजर कहां से कर रहे हैं। फोर बॉडी, अब सेकंड क्वेश्चन, फोर बॉडी ऑफ मास 3, 5 and 8 are placed at the four corner of the square of side 2 meter. ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कराया होगा, ये फोर बॉडी सभी कॉर्नर पे मास रखे हुए, सभी कॉर्नर पे मास रखे हुए, मास कितने हैं? 2, 3, 5 and 8, 2, 3, 5 and 8. अब देखो हमने मास ऐसे अरेंज किया 2, 3, 5 and 8, अब कोई ऐसे अरेंज कर देगा कि 2, 3, 5 and 8 तो बात बदल जाएगी, इसलिए आंसर पे नहीं जाना है, आंसर अलग अलग पॉसिबल है, ये वाई एक्सिस और अब हमने एक्सिस ऐसा ले लिया, अगर कोई एक्सिस ऐसा ले लेता तो उसका आंसर अलग हो जाता, तो इसीलिए आंसर पे नहीं जाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
आंसर के लिए कुछ बोला गया है कि कहां से एक्स लेना है? तो नहीं बोला गया, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर इसका साइड लेंथ है, तो ये तो एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया, तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0 सॉरी इसका कोऑर्डिनेट कितना 2, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0, 2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना 2, 2। तो एक बात बताता हूं, अगर हमने 8 वाले को यहां रख दिया होगा, मतलब ऐसे करते 2, 3, 5, 8, तो अब 8 वाला 2 और 2 क्यों होता, तो उसका आंसर फिर अलग होता है, इसीलिए घबराना नहीं है, आंसर अलग अलग होता है। सर हम 8 और 5 को जो जितने जो पर्टिकुलर नहीं दिया ना कि वो थर्ड पॉइंट पर 8 को ही लेना है, तो अगर कहीं भी लेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। हाँ आंसर अलग अलग आएगा, मैं तो वैसा कुछ बोला नहीं है कि कहाँ पे लेना है 8 को, कहाँ पे लेना है 3 को। यस सर, लेकिन ये है जरूर कि हम लोग ऑर्डर में लेंगे, ऑर्डर बोले तो हमने क्या लिया 2, 3, 5, 8 या ऐसे ले सकते थे 2, 8, 5, 3 सॉरी 2, 3, 5, 8 ऐसा ले सकते थे, या 2 को यहाँ कर सकते थे, 2 को यहाँ कर सकते थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो आंसर अलग अलग हो सकता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने XCM फाइंड कर लेना है और YCM फाइंड कर लेना। XCM क्या होगा यहाँ पे, तो M1X1, M2X2, M3X3 प्लस M4X4 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 वैल्यू पुट करो, M1X1 M2X2 सब गिवन है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, तो आगे का काम तुम लोग खुद भी कर सकते हो, उसी टाइप से YCM भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे वैल्यू अगर पुट करके दे देता हूं एक लाइन में, M1 अगर 2 को लिया तो 2 × 0 क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, 3 को लिया तो 3 × 2 प्लस 2 × 5 5 वाले को लिया तो 5 × 2 प्लस 8 × 0 बाय 2 + 3 + 5 + 8 यहां से आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली YCM फाइंड कर सकते हैं आप, YCM M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 M4 Y4 by M1 plus M2 plus M3 plus M4। तो M1 का किसी को ले सकते हो, 2 × 2 plus 3 × 2 plus 5 × 0 plus 8 × 0 तो यहां से आ गया सॉरी अपॉन 2 + 3 + 5 + 8 यहां से आ गया 4 + 6 बाय एक आएगा 5/9 और एक्स आएगा 9 हाँ 5/9 और एक्स आ जाएगा 8/9 हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं भी मैच करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑप्शन मैच करा कि नहीं करा, क्योंकि एक्सिस अलग अलग लेंगे आंसर अलग होगा। तो चलो मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लो सभी लोग,
उड़ीसा में मकर संक्रांति मनाते हैं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री एंड फोर अच्छे क्वेश्चन। तो और मैक्सिमम लोगों ने थ्री, मतलब आउट ऑफ फोर थ्री क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों ने किया, जिन लोगों ने असाइनमेंट भेजे, तो ये अच्छा साइन है। मैं बता रहा हूं और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हमने क्लास में कराए हैं, बोर्ड पे करा रहे हैं या जो डीपीपी भेज रहे हैं, इतना करने के बाद सेंटर ऑफ मास में अभी तक नोट्स में हमने जो भी किया और डीपीपी के फॉर्मेट में जो भी किया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी के अंदर से सारे होंगे। ठीक है, इसी टाइप के सारे होंगे। हो सकता है बॉडी स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल हो जाए, स्फीयर के जगह डिस्क हो जाए, बट फॉर्मेट यही रहेगा 100%। अब क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में टी शेप का एक बॉडी, एक बॉडी है टी शेप का, टी शेप का एक बॉडी है। अनामिका प्रेजेंट है क्लास में? आज अनामिका छुट्टी मना रही है। चलो तो ये है हमारा टी शेप का एक बॉडी है, टी शेप का बॉडी है और बॉडी में डायमेंशन दे रखा है, ये है एट, ये जो है वो एट सीएम है या सेंटीमीटर है, एट मीटर का ये बॉडी है, ये लेंथ 10 मीटर है, ये वाला लेंथ 2 मीटर है, ये वाला लेंथ 3 मीटर है, और अगर ये 3-3 है ना तो ये 2 होगा ही, क्योंकि टोटल लेंथ होना चाहिए, तो 3-3-6 देने 2a हो गया, और ये वाला लेंथ भी देने। ये लेंथ कितना है 6 मीटर। नोट करो सभी लोग, फिगर नोट करो, क्वेश्चन अच्छा है और अच्छे से देखेंगे इसको। सेंटर ऑफ मास इसमें ना एक पॉइंट कह रखा है कि सेंटर ऑफ मास हमको ओ पॉइंट से देखना है, और वो ओ पॉइंट है कहां, तो ओ पॉइंट है कहां है वो पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। ओके, वो पॉइंट कहां पे है वो मैं बताने वाला हूं। डॉटेड लाइन बनाया हुआ है हमने, डॉटेड बना दिया। ओके, ए वाला पॉइंट वो है, ओरिजिन को ही हम ओ को हम ए वाला पॉइंट वो है, हमने इसी को ओरिजिन बना, ये हमारे हाथ में है, हम लोग बना सकते हैं, तो हमने इसको O को ओरिजिन बनाया। क्यों ओरिजिन बनाया O को, क्योंकि O पॉइंट से ही सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता करना, तो हमने O को ओरिजिन बना दिया। जहां से डिस्टेंस पता करना है उसको हम ओरिजिन बना लेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो ये आ गया आंसर, ए आ गया फिर आंसर नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो ये वाला रेक्टेंगुलर और ये वाला भी रेक्टेंगुलर, दिख रहा है ना सबको? यस। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये वाला ऊपर वाला रेक्टेंगुलर पार्ट और नीचे वाला रेक्टेंगुलर, कहने का मतलब ये वाला रेक्टेंगुलर दिखा होगा सबको,
ये रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा और ये वाला भी रेक्टेंगुलर सबको दिख रहा होगा। दो रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहे ठीक है, ये दो रेक्टेंगुलर पार्ट सबको दिख रहे हैं। अच्छे से देखो समझो और मुझे बताना कि अपर रेक्टेंगुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अगर वो यूनिफॉर्म है तो अपर रेक्टेंगुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास उस रेक्टेंगल के सेंटर पे होगा, दैट इज एट पॉइंट, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब इस अपर रेक्टेंगुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, मतलब यहां होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0.0। आ रहा है समझ में सबको? यस। और ये जो लोअर रेक्टेंगुलर पार्ट है, लोअर रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होगा, बट इसका सेंटर कहां पे है, तो ये जो 6 है तो 3 मीटर पे, और ये जो 2 है मतलब 1 मीटर पे, मतलब यहां पे कहीं। इसके सेंटर को अगर हमने C1 बोल दिया और इसके सेंटर को अगर हमने C2 बोल दिया तो फिगर में मेंशन कर दो इसको, ठीक है, फिगर में मेंशन करो C1 एंड C2। अब बताना C1 का सेंटर, C1 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट तो 0.0, नो डाउट, लेकिन C2 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना, तो इसका y कोऑर्डिनेट यहां से इस पॉइंट O से ओरिजिन से लेके यहां तक लेना, तो ये वाला तो 3 है और ये वाला 1। अच्छे से देखना, ये 2 है ना टोटल, ये टोटल 2 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा मतलब ये वाला 1 और ये वाला 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 4 और x कोऑर्डिनेट तो 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे ही है ये वाला C2, C2 इज ऑन द y एक्सिस, देन x सेंटर ऑफ मास विल बी 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट ही सिर्फ होगा 4। अब देख लो तुम लोग अच्छे से फिगर को, दोनों बॉडी का x सेंटर ऑफ मास 0 है, दोनों बॉडी का, C1 का भी x कोऑर्डिनेट 0, C2 का भी x कोऑर्डिनेट 0, तो x सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि क्या हम जानते हैं, यहां पर मैं एक बात बताऊं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यह नोट करो पहले इसको, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a1 x1 a2 x2, क्यों, क्योंकि प्लेट है, प्लेट मतलब 2D बॉडी, और 2D बॉडी के लिए ऐसा हम यूज कर सकते, कब ऐसा यूज कर सकते हैं, जब डेंसिटी सेम हो, तो डेंसिटी तो सेम है ही क्योंकि ये पूरा एक ही बॉडी, टी सेम बॉडी मतलब एक ही बॉडी, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी, इसीलिए एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0, जब दो बॉडी हो और दोनों का एक्स 0 हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्स भी 0 आएगा, ये कंफर्म है। अब हम YCM फाइंड करेंगे, अब हम YCM, समझ में आया क्या, किसी को डाउट है तो पूछो, YCM equal Y1 A2 Y2 by A1 plus A2 A1 first body का area कितना है, 8 into 2, first body का rectangle है ना, तो area होगा 8 into 2, और इसका Y coordinate कितना है, 0, दूसरा body का area कितना है, 6 into 2, और इसका Y coordinate कितना है, 4, बट माइनस फोर ले लेना क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव होता है,
upon A1. A1 means 8 into 2 or A2 means 6 into 2. तो ये तो जीरो हो गया पूरा पार्ट, ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 मींस माइनस 12 बाय 28 और ये कितना आ गया यहां से माइनस 6 बाय और माइनस 3 बाय 4 7 सॉरी YCM इज माइनस 3 बाय 7 और XCM 0 और YCM माइनस 3 बाय 7 सर YCM एक और बार समझा देंगे YCM वापस समझा देता हूं अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है 48 होगा दिस इज 48 तो 48 होगा तो क्योंकि ये 6 into 2 12 into 4 48 तो यहां से क्या आ जाएगा 12 by 7 वापस समझाता हूं वाई सेम लेकिन पहले इसको नोट करो नोट हो गया नोट हो गया यस सर हो गया सर यस सर ओके तो देखो एक बात बता दे YCM वापस बता देते क्या तुम लोगों को कोऑर्डिनेट पता चल गया कि कैसे कोऑर्डिनेट लेना है देखो क्या है फिगर देखो ए है बॉडी टी शेप का यहां पे हमने इसे मिटाया टी शेप बनाने के लिए ए टी शेप का बॉडी ए वाला 8 दे रखा है और ए वाला 2 और ए वाला भी 2 क्योंकि ए 2 होगा तो ए भी 2 होगा और ए 6 दे रखा है और ए 3 दे रखा है ए 2 भी दे रखा है चलो ऐसा ए डायमेंशन है पॉइंट ओ यहां एक बात बता रहा हूं ऐसा हमने एक्सिस ले लिया ये वाई एक्सिस और ऐसा हमने एक्स एक्सिस ले लिया ठीक है मतलब ओरिजिन यहां पे तो पहले वाला जो एक
फर्स्ट जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके ओरिजिन, इसके सेंटर पे ही ओरिजिन है। देखो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल, इसके सेंटर पे ही ओरिजिन है। मतलब इसके सेंटर पे जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, हमने बताया है कि स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट सब के सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसके सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसके सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे। मतलब ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास होगा पहले रेक्टेंगल का। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0.0 और इस वाले जो स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पे। इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पर है। तो वाई एक्सिस पे ही, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2 है ना, तो ये वाला तो 1 है। मतलब ये वाला 1 है और ये वाला 6 है ना, टोटल तो 3 होगा। तो इसका क्या होगा? -4। समझ में आया क्या? Yes. दोनों का सेंटर ऑफ मास C1 और C2 बोल दे, ठीक है ना। ए ओ पॉइंट यहाँ पर है जी, ओ पॉइंट यहाँ पर है, ओ पॉइंट सबसे टॉप पॉइंट पे है। यहाँ C1 इसको बोल रहा हूँ, C2 इसको बोल रहा हूँ। अब जब तुम फाइंड करोगे A1 Y1 Y2 by A1 plus A2, क्योंकि 2D बॉडी के लिए ऐसा फॉर्मूला हमने बताया है। कब ऐसा होता है? जब बॉडी सेम हो, सेम मटेरियल का हो। तो ये दोनों बॉडी, ऊपर वाला रेक्टेंगल नीचे वाला रेक्टेंगल एक ही बॉडी है, इसीलिए दोनों का मटेरियल सेम है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। तो A1 इज 8, Y1 कितना? 2। A1 8 नहीं, सॉरी, A1 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू वेथ, मतलब 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो 0 ले लिया। प्लस इसका A2 एरिया कितना है? 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -4 अपॉन A1 प्लस 8, तो ऐसा आ गया -12/7। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखें इसका, तो डिस्टेंस में माइनस यूज करने का जरूरत नहीं है, तो कोऑर्डिनेट से इसलिए माइनस यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओरिजिन से 1.7। तो ओ पॉइंट से कितना होगा? 2.7। देखो YCM कितना आया? YCM कितना है? -12/7। तो YCM सेंटर से, सेंटर से देखेंगे तो -12/7 कहीं नीचे आएगा यहाँ पे। ये वाला डिस्टेंस है 12/7, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला 12/7 है। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया कंबाइंड बॉडी का, और ये आया है 12/7 डिस्टेंस। लेकिन हमको डिस्टेंस ये वाला नहीं देखना है, हमको ये वाला ओ से देखना है। तो 12/7 प्लस 1/7 प्लस 1, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12/7 प्लस 1, मतलब 1.7। प्लस 1 क्यों लिया? क्या सर? वो प्लस 1 प्लस, देखो ये जो 12/7 डिस्टेंस आया है सेंटर ऑफ मास का, वो कहां से आया है? ओरिजिन से आया है ना। Yes. लेकिन हमको चाहिए टॉप पॉइंट से, ओ जो फिगर में जो ओ दे रखा है वो टॉप पॉइंट पे। तो ओरिजिन तो यहाँ पे है, हमको डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। वापस एक बार बता देता, वापस एक बार फिगर बना देता हूं। देखो फिगर क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। देखो ओरिजिन यहाँ पे है, यहां से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया मान लो -12/7, मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? तो ये है 12/7, ये वाला डिस्टेंस है 12/7। जो YCM कैलकुलेट होके आया है इतना, इसका मतलब ये ओरिजिन से होता है।
तो ओरिजिनल से 12 बाय 7 लेकिन हम तो ये ऑफ पॉइंट तो ये वाला ऑन ऑन ऐड करना पड़ेगा ये सर समझ गए सर तो 12 बाय 7 प्लस 1 यस तो आज ही लास्ट क्वेश्चन कल क्लास में कर पाएंगे क्योंकि आज टाइम बचा नहीं होगा तो माइनस 12 बाय 7 और ओनली 12 बाय 7 देखो 12 बाय 7 अगर कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो माइनस में बोलेंगे क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस आया है यस सर लेकिन अगर डिस्टेंस बोलेगा तो डिस्टेंस को तो हम निगेटिव नहीं लेंगे ना तो 12 बाय 7 क्वेश्चन में डिस्टेंस बोल रहा है यस सर तो इसीलिए हमने 12 बाय 7 प्लस 1 ओके यस सर ओके थैंक यू सर यस सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर 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 थैंक यू